केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने देवघर परिसर में एम्स के निर्माण को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में एम्स के भवन निर्माण एवं जमीन संबंधी प्रगति को लेकर चर्चा हुई। वहीं अश्विनी चौबे ने कहा कि जब तक देवघर में एम्स का पूर्ण रूप से निर्माण नहीं हो जाता है, तब तक लोगों को टेलीमेडिसिन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। टेलीमेडिसिन की सुविधा लोगों को जुलाई महीने के अंत या अगस्त महीने से मिलना शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि देवघर देश का दूसरा ऐसा जिला होगा जो एम्स के टेलीमेडिसिन सुविधा से जुड़ेगा। टेलीमेडिसिन की सुविधा मिलने से गरीब जनता को काफ़ी लाभ मिलेगा। इसके अलावा अश्विनी चौबे ने कहा कि देश के सभी एम्स में आयुष केंद्र खोले जाएंगे और 30 बेड का एक अलग ऐसा केंद्र होगा जिसमें मरीजों का इलाज हो सके। जिला के संगठन के लोगों ने यहाँ और वो आए और साथ में हमारे राज परिवार के मंत्री जी, इन्होंने भी उसकी पुष्टि की, आग्रह किया कि यहाँ तत्काल मरीज को परेशानी होगी। और एम्स का एक बार जब लोगों को हुआ कि क्लास शुरू हो रहा है, तो लोगों को होगा कि भाई एम्स का कुछ हमें सुविधा भी फायदा मिलना शुरू हो जाए। तो मैं ये घोषणा करना चाहूँगा कि जैसे ही हमारी पढ़ाई शुरू होगी तो उसके साथ साथ उसी कैंपस में टेलीमेडिसिन की भी सुविधा वहाँ प्रदान कर दी जाएगी। आज मैंने इंचार्ज से बात किया है और इन्होंने उसके लिए व्यवस्था करेंगे और पटना एम्स के साथ उसको फिलहाल जोड़ा जाएगा। भविष्य में हम और भी एम्स या जो बड़े बड़े हॉस्पिटल चंडीगढ़ है, ऐसे कई देश के जाने माने जो अस्पताल है, उससे भी जोड़ने का बाद में भविष्य होगा। फिलहाल पटना एम्स से जोड़ा जाएगा। जैसे बिहार में हिंदुस्तान के अंदर पहला पटना एम्स का कोई एक जिला अगर जोड़ा गया है तो बक्सर जोड़ा गया है। और बक्सर में हमने 6 महीना पहले टेलीमेडिसिन की सेवा सुविधा उपलब्ध कराई है एम्स पटना के सौजन्य से। तो मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में यहाँ के जो गरीब या आम लोग जो हैं, उनको जाने के लिए एम्स पटना या दिल्ली या दूसरी जगह जाएंगे तो उनको बड़ी दिक्कत होती थी, तो कम से कम उनको परामर्श मिल जाएगा। और परामर्श के साथ साथ उनको अगर कोई विशेष शल्य क्रिया या कार्य जांच इत्यादि के लिए, तो उनको या तो बगल में पटना एम्स में उनको भेजा जाएगा या और भी कहीं एम्स में, तो उनको सुविधा भी हो जाएगी, उनकी पंक्ति भी, मतलब कहा जाए कि उनको भाग दौड़ नहीं करना पड़ेगा।